एनडीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई पुलिस ने अपहरण के मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे गुजरात ले जा रहे थे। मुंबई के डिंडोशी पुलिस एक अपहरण के मामले की जांच कर रही थी और इसी मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन 4 लोगों को गुजरात के वापी इलाके से गिरफ्तार किया है और मुंबई पुलिस कंट्रोल को एक फोन कॉल आया था जिसमें कॉलर ने बताया था कि मुंबई से एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे गुजरात ले जाया जा रहा है और इस मामले में कुल 4 लोग शामिल है। फिर इस कॉल के मिलने के बाद पुलिस कंट्रोल ने डिंडोशी पुलिस को अलर्ट किया और इस मामले की जाँच के लिए एक्शन में आने को कहा। डिंडोशी पुलिस ने गिरफ्तार किए 4 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 365, 323, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित यूपी के बाराबंकी जिले का रहने वाला है और मुंबई में नौकरी करने के लिए रहने आया था। सुनिए इस पूरे मामले में डिंडोशी पुलिस ने क्या जानकारी दी है। आरोपी जो है वो गुजरात में एक व्यक्ति को बैंक से पैसा वसूल करने के लिए आए थे। इधर जो आरोपी को पकड़ के लेके जा रहे हो उनके सामने वो खड़ा करने वाले थे, ये लोग मैंने पकड़ के लाके आया, आपका आदमी है। उनको आज डिंडोशी बोरोली कोर्ट में प्रोड्यूस किया तो कल तक हम लोग को पुलिस कस्टम में रिमांड मिले। कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट करके गाड़ी का पूरा डिटेल्स दे दिया, बाद में गाड़ी वापी टोल नाके में गाड़ी को डिटेन किया गुजरात पुलिस ने।